नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत पटरीपार वार्ड 13 कोका की रानी लक्ष्मीबाई तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। कार्य की स्वीकृति मिलने के बाद महापौर नीरज पाल ने जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों की उपस्थिति में भूमि पूजन किया। 98 लाख लागत से होने वाले तालाब विकास कार्य से क्षेत्र के नागरिकों को सहूलियत मिल सकेगी। विकास कार्य के लिए नींव की शुरुआत होने से वार्डवासियों ने खुशी जाहिर करते हुए महापौर व निगम प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। रहवासी तथा क्षेत्रवासी लंबे समय से तालाब में रिटर्निंग वॉल, पेवर ब्लॉक सहित सौंदर्यीकरण की मांग कर रहे थे, जो अब शीघ्र पूरा हो जाएगा। महापौर श्री पाल ने उपस्थित निगम इंजीनियर और निर्माण करने वाली एजेंसी को शीघ्रता से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि क्षेत्र के नागरिकों को जल्द ही लाभ मिल सके। भिलाई निगम के जोन 1 नेहरू नगर क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 13 कोहका के रानी लक्ष्मीबाई तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। तालाब परिसर में कई तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं। क्षेत्र के नागरिक तालाब में निस्तारी भी करते हैं। इसे देखते हुए तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। देखिए 98 लाख की लागत से लगभग जो है जो कोहका है, कोहका का रानी लक्ष्मीबाई तालाब है, जिसको पुराना नाम जिसका भैलो तालाब बोलते हैं, इसका सौंदर्यीकरण का काम किया जाना है, जिसमें प्रकाश व्यवस्था, पेवर ब्लॉक और तमाम ऐसी सुविधाएं जो उसके सौंदर्यीकरण के दिशा में होगी, इसको किया जाना है। इसको लेके जो है माननीय महापौर जी ने तालाब का भूमि पूजन किया है और जैसे बहुत अच्छे तालाब के स्वरूप में इसको परिवर्तन किया जाना है, जो कि यह पुराना तालाब भी है, जिसको देखते हुए वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी मौजूद होकर बड़ी संख्या भूमि पूजन में सम्मिलित हुए और तालाब सौंदर्यीकरण की दिशा में एक बड़ी पहल पट्टीपार क्षेत्र में होगी। काफ़ी समय से लोग इसकी मांग भी कर रहे थे, जो भूमि पूजन होने के बाद से लोगों की जो ये मांगे हैं सब पूरी होगी। सौंदर्यीकरण के तहत तालाब के चारों ओर रिटर्निंग वॉल, क्षेत्र के नागरिकों के लिए सुबह शाम टहलने के लिए पेवर ब्लॉक, आने जाने के लिए 4 स्थान पर प्रवेश द्वार, प्रकाश व्यवस्था, नहाने के लिए चारों ओर घाट निर्माण, फव्वारा का निर्माण और तालाब परिसर में हरियाली बढ़ाने के लिए आकर्षक पौधे भी लगाए जाएंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।